हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सो मेरे फ्यूचर लॉयर्स आप सब लोगों ने अपनी बिल्कुल कमर कस ली है टू अपियर फॉर दिस एग्जाम दैट इज कॉल्ड क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट फॉर दोज पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग कि मुझे क्लैट ट्वेंटी का पेपर देना है तो अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी दे दे तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं सिलेबस क्या है और बेस्ट कोर्स आपका क्या है जहाँ से आप जाके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लाट ट्वेंटी की तो जब हम पहली बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या आता है तो सबसे पहली चीज़ होती है कोई भी आपको अगर एग्ज़ाम देना है कोई भी आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो आप सबसे पहली चीज ये करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उस पेपर का पैटर्न क्या है और क्या चीज हमें पढ़नी है सो so, यहां पर यू हैव फाइव सेक्शन एंड इन दीज फाइव सेक्शन यू हैव इंग्लिश यू हैव क्रिटिकल रीजनिंग यू हैव क्रिटिकल रीजनिंग ऑल राइट यू हैव क्वॉंटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑल राइट थर्ड फोर्थ आपके पास आ जाता है लीगल रीजनिंग एंड आपके पास आ जाता है फिफ्थ करंट अफेयर्स ठीक है तो करंट अफेयर्स आपके पास एक सेक्शन यहां पर आ जाता है तो ये पांच सेक्शन है जिसके लिए आपको तैयारी करनी होती है जिसकी आपको आ, पूरी की पूरी मेहनत करनी होती है फॉर दिस पेपर दैट इज क्लैट नाउ दीज फाइव सेक्शंस में से आपके पास आते हैं 120 क्वेश्चंस एंड इन वन ट्वेंटी क्वेश्चन ठीक है पहले ये क्वेश्चन ज्यादा आते थे लेकिन अब ये एक सौ बीस मिनट में आपको एक सौ बीस क्वेश्चन आपको मिलता है प्लस पॉइंट टू फाइव फॉर एवरी रॉन्ग आंसर सो दट मीन देर इज अगेटिव मार्किंग देर इज अगेटिव मार्किंग नाउ वंस यू नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर दिस इज द एग्जाम पैटर्न नाव यू शुड नो कि एग्जाम का सिलेबस क्या होता है तो पहली चीज मैं आपको बता दूं और पूछना चाहता हूं मैं आपसे क्या क्लैट का एक्चुअली में कोई सिलेबस होता है क्या हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंटलीस देयर इज अ प्रसाइब सिलेबस फॉर क्लैट माय आंसर इज नो दो दे हैव गिवन यू कि अपनी साइट पर कि क्लैट में ये आ सकता है ये आ सकता है ये आ सकता है लेकिन इसका कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस एज सच नहीं है क्योंकि ये एक बहुत डायनेमिक पेपर है प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर की तो सलेबस में यहाँ पर आपके पास आते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ना वंस यू हैव पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो पहली चीज़ जो बच्चों को पता होनी चाहिए वो ये है कि जिस बच्चे का कॉम्प्रीहेंशन लेवल अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत अच्छा है अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल बहुत अच्छा है तो आप ये पेपर को ऐसे निकाल सकते हो लेकिन ये बात हमें बहुत देर में समझ में आती है तो इस वजह से आपको क्या करना है बच्चों कि आपको अपनी रीडिंग और रीडिंग स्पीड पे एक तो रीडिंग विच इज फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड देन स्पीड रीडिंग इस पे आपको ध्यान देना है अब मैंने स्पीड रीडिंग बाद में इसलिए लिखा क्योंकि अब थोड़ा सा तो ब्रीदर हमें मिला है क्योंकि अब आपके पास दो घंटे में आपके पास एक क्वेश्चन है तो दैट मीन्स यू हैव अ मिनट पर क्वेश्चन जो कि पहले नहीं होता था पहले आपके पास डेढ़ सौ क्वेश्चन आते थे और टाइम एक सौ बीस था लेकिन अब आपके पास एक सौ बीस क्वेश्चन और एक सौ बीस मिनट है तो आपके पास आराम से कर सकते हो क्वेश्चन तो पहले भी जब डेढ़ सौ क्वेश्चन आते थे जो ज़्यादातर बच्चे होते थे जो आगे तक पहुँचते थे या जिनका सिलेक्शन होता था वो अराउंड हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते थे उस टाइम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में से भी तो अब तो टोटल तो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वही है और टाइम भी वही है तो इसलिए स्पीड का थोड़ा महत्व है लेकिन अब थोड़ा सा महत्व कम भी हो गया है मैं ये कहूंगा राइट सो दैट इज वॉट इज देर एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अब आपके पास आते हैं दैट मीन्स यू नीड टू बी अ डाइवर्स रीडर ऑल्सो ठीक है डाइवर्स रीडर एज वेल सो ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो थ्री सेक्शन हैं जिसमें आपके पास टोटल मिला के अराउंड एट्टी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर आपके पास पंद्रह पैसेजेस तो होंगे अराउंड फिफ्टीन पैसेजेस आप डेफिनेटली इसमें टैकल करोगे अब इस पंद्रह पैसेजेस को टैकल करने के लिए आपके पास रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है राइट right? मैथ में आप कह सकते हो कि आपको एवरेजेस रेशो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, सिस्टम परसेंटेज नंबर सिस्टम ये टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो मैथ का सेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा करंट अफेयर्स अगेन एंडलेस रीडिंग uh, कॉम्प्रीहन में जो इंग्लिश का सेक्शन है नहीं पता कि कैसे तरीके के पैसेज आएंगे लेकिन क्वेश्चन हम थोड़े से प्रिपेयर कर सकते हैं वो प्रैक्टिस से होगा सिमिलरली आपका uh, जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसमें भी पैसेज आएंगे कैसे आएंगे कोई सिलेबस तो है नहीं हाँ लीगल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर एक सेट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है लेकिन पैसेज तो वहाँ पर भी आता है तो इस वजह से अगर हम सिलेबस की बात करें तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी अनदर मिथ जो है लोगों का वो ये है कि जिन लोगों को uh, क्लाट का पेपर देना है वो मैथ छोड़ दें लेकिन मैं आपको बता दूं जो लोग मैथ छोड़ के जाते हैं उनको हमेशा एक सेटबैक लगता है क्योंकि कुछ ना कुछ ब्राउनी पॉइंट्स आपको मैथ के सेक्शन से मिल जाते हैं जैसे इस बार ही बारह क्वेश्चन बहुत में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आसान आए थे तो उन बच्चों ने जिन्होंने मैथ का सेक्शन दिया था उन्हें काफ़ी हद तक uh, फ़ायदा हुआ और उससे उनका स्कोर बढ़ गया उसके अलावा दूसरा मिथ ये होता है बच्चों के पास कि आप मॉक्स कब से देना शुरू करें अभी दें या बाद में दें तो मेरा तो सजेशन हमेशा ये रहता है कि भैया आपने टेन डेज इंटू योर प्रिपरेशन एंड यू शुड स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स क्योंकि वहाँ से आपको पता चलता है एक्चुअली में वो दो घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो एंड देन जो बेस्ट स्ट्रैटी आपके लिए वर्क करती है उसमें आप फिर लग जाते हो राइट सो so, इस तरीके से आप अपने सिलेबस को देख सकते हो सोर्स मटीरियल की जब बात आती है तो सोर्स मटीरियल में आप ये देख के चलिए कि आपके पास जो एक्चुअल जो बुक्स हैं चाहे वो यूनिवर्सल गाइड हो लेक्स नेक्सिस हो आ, आपके पास वर्बल लॉजिक वाली जो बुक है वो हो आ, इंग्लिश के लिए आप अरुण शर्मा या फिर वाइली आप रेफ़र कर सकते हो जी मैट की जो मटेरियल होता है फो क्रिटिकल रीजनिंग आप वो रेफ़र कर सकते हो ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली उसके अलावा अगर आपने मैथ के लिए आर एस अग्रवाल और ऐसी जो बुक्स हैं इनको रेफ़र कर लिया तो ये बुक्स के लिए सफिशेंट है लेकिन उसके साथ साथ ही आपको हम यहाँ पर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर भी एक बुक देते हैं जिसके अंदर आपके पास अराउंड एट हंड्रेड प्लस के आपके पास क्या होते हैं क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस मिलेंगे तो सोर्स मटीरियल में ज्यादा बुक्स इकट्ठे करने से बेटर है कि एक ही बुक को अगर आप रेगुलर बार बार करोगे ना तो उसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके साथ साथ मॉक्स जरूर दीजिए क्योंकि मॉक्स देना बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाएंगे ये पेपर को क्लियर अगर आपको करना है क्लैट का तो क्लैट के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी तो कहीं ना कहीं आप हमेशा पीछे रहेंगे और आपका स्कोर एक एवरेज नंबर पे रह के रह जाएगा तो प्रैक्टिस आप जरूर करें तो उसके लिए हम आप, आप आपके लिए लेके आए हैं अचीवर्स 2.0 पॉइंट ओ बैच ये अचीवर्स 2.0 पॉइंट बैच जो है आप जाके इसको ले सकते हैं ठीक है इस बैच में आपको टू वे इंट्रेक्टिव क्लासेस आपको मिलता है स्टडी uh, मटेरियल आपको मिलता है सात इन बेहतरीन ताकल का आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं क्विजेज़ आपको मिलती है करंट uh, अफेयर्स की मैगजीन ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं इस बैच में जिसका नाम है अचीवर्स टू पॉइंट ओ बैच ठीक है तो आप जाके इसको ले सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं कोड आप लगा सकते हैं वाई सेवन वन थ्री इस बैच के साथ आपको प्रिंटेड बुक जो है वो हम आपको देंगे और वो कैसी होती है वो ये है ये आपको इस बैच के साथ बिल्कुल दी जाएगी राइट right? इस बुच बैच के साथ ये बुक जिसमें आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल री क्रिटिकल रीजनिंग लीगल रीजनिंग क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स ये सब आपको एट हंड्रेड एंड फिफ्टी क्वेश्चन का यहाँ पर मिलेगा प्लस आपको प्रीवियस ईयर के डिटेल सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर इस बुक में देखने को मिल जाएंगे तो आप ये बुक भी रेफर कर सकते हैं और इसको ले सकते हैं ठीक है तो ये आपको अलग से चाहिए बुक तो भी आप ले सकते हो उसको लेने के लिए कोड है एस सेवन वन थ्री लेकिन अगर आपने ये बैच ले लिया तो इस बैच के साथ आपको ऑटोमेटिकली ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर दे देंगे अब अगर हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये बैच में हमारे को कहाँ से लेना है तो यहाँ पर आप जाएंगे येरा क्लैट यहाँ दिख रहा है आपको अचीवर्स टू पॉइंट ओ बैच जो कि फर्स्ट ऑफ जून से स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफ जून से ये बैच स्टार्ट होगा अचीवर्स टू पॉइंट ओ आप जाके ले सकते हैं और अगर आप इस क्लैट के साथ और एग्जाम्स की तैयारी भी करना चाहते हैं चाहे वो एलेट हो एल हो सिम्बायोसिस हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो एम एच सी टी हो जामिया मिलिया इस्लामिया हो एम यू हो सी यू टी यू जी हो पंजाब यूनिवर्सिटी हो या और आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आई एम रोहतक हो ये सारे नौ दस और एग्ज़ाम्स इस क्लैट के साथ हम आपको करवाते हैं प्रिपेयर इस महापैक में और अब क्लास इलेवंथ वाले बच्चे जो अभी से सोच रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी है तो आपके लिए भी हमारे पास बैच है जो कि यहाँ पर महापैक में है आप इधर जाते हैं और मंथ्स 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 में में देखते हैं तो आपके पास है 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 जो जो क्लास क्लास के लिए है, और लिए और उनके तो ले लेकिन अगर आप यहाँ जाके कोर्ड लगाते हो वाई सेवन वन थ्री और अप्लाई करते हो तो आपको ये मिल जाता है सोलह हजार पांच सौ साठ रुपए का सोलह हजार पांच सौ साठ रुपए में आपको मिल रही है प्रिपरेशन दस एग्जाम्स की दस एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको एक साथ मिल रही है वो जाके आप ले सकते हैं कोड याद रखिए वाई सेवन वन थ्री जहां पर आपको मिल जाएगा सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट अब बैच की प्रमोशन तो हो गई लेकिन अब बैच के साथ साथ आपको चाहिए होता है एक ऐसा साथ जो आपके साथ रहे हमेशा आपका एक मेंटोर बन के आपका एक फ्रेंड बन के आपका एक बड़ा भाई बन के तो वो मैं बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ अगर आप रेडी हो और आप चाहते हो कि हाँ आप आ, मेरे साथ चलें मैं आपके साथ चलूँ तो ये नंबर को आप नोट कर सकते हैं इसे आप आ, बिल्कुल सेव कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए कोई भी मिनटरशिप चाहिए या आप बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कैसे आप बैच में इनरोल करें कैसे इस बैच को परचेज करें वो सब मैं आपको यहाँ बताऊँगा आपके साथ रहूँगा एक पूरा आपका गाइड बनकर तो आप ये ले सकते हैं नाम है आशीष गर्ग याद रखिएगा और बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ और राइट सो ऑल द बेस्ट माई फ्यूचर लॉयर्स लेट्स गो एंड नेल क्लैट एंड गेट इन टू वन ऑफ द बेस्ट एनएलयूज यूज ऑफ द कंट्री ऑल द बेस्ट टेक केयर